नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। देखिए, आज लच्छीपुर गेट में प्रोग्राम हो रहा है, 59 नंबर वार्ड। यहाँ जो कोविड-19 लॉकडाउन के जो लोग शिकार हुए हैं, आज काफ़ी लोग यहाँ पर परेशान हैं। यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, लोग गरीबी से परेशान है। इसको देखते हुए हमारे आसनसोल के मेयर जनाब जितेंद्र कुमार तिवारी ने 500 पैकेट यहाँ पर डोनेट किए हैं गरीबों के लिए, और उसके लिए हमारे पश्चिम बर्धवान माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन गुलाम सरवर साहब आ रहे हैं। उनके हाथों से आज 500 गरीबों को 500 पैकेट दिया जाएगा, उसमें कुछ खाने का सामान है। और इसके लिए मैं आसनसोल के मेयर जनाब जितेंद्र तिवारी साहब का शुक्रगुजार हुआ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे वार्ड के गरीबी को मद्देनज़र रखते हुए आज गरीबों के लिए ये जो पैकेट दिए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हमारे उल्टी के विधायक जनाब उज्जल चटर्जी साहब भी आए थे, उन्होंने अपने हाथों से कुछ लोगों को तकसीम किए हैं। और अभी चंद मिनट में हमारे आसनसोल पश्चिम बर्धवान तृणमूल माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन गुलाम सरवर साहब आ रहे हैं, उनके हाथों से गरीबों में तकसीम किया जाएगा। का नाम? मैं मीर हासिम, मेयर इन काउंसिल आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। स्थानीय काउंसिलर तथा मेयर इन काउंसिल जनाब मीर हासिम साहब, सोचते हैं कि हमारे मोदी जी ने या बीजेपी के कोई नेता ने आप लोगों के लिए कुछ दिया, जोर से बोलिए। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के सिपाही, तृणमूल कांग्रेस के कैडर, ममता बनर्जी के सिपाही हमेशा आप लोगों के साथ थे, चाहे वो मीर हासिम हो, गेट का सुजीत चौधरी हो, दिशा से ताल्लुक रखने वाला गौतम हो, उनके साथ उनकी टीम है, रविदास हो या हमारे शिवदास राय हो, जितने भी लोग हैं, सबों ने लोगों के साथ साना बसाना खड़ा था और गरीबों का दुख दर्द में जहां तक हो सका हेल्प किया, चाहे चावल हो, दाल हो, आटा हो, तेल हो, जो भी इन लोगों से हुआ सभी ने किया कि हमारी माँ बहने कोई भूखा ना मरे। लेकिन बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वामपंथ हो, किसी ने यहाँ पर देखने के लिए नहीं आया। लेकिन मैं तमाम माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में जो आपका साथ था, आप उसको देखिएगा, आप उसका साथ रहिएगा, ऐसा ना हो कि लोग कहें कि यहाँ के लोग हर रात हर दिन इस सोच में रहती है कि मगरबी बंगाल में किसी भी शख्स को, किसी भी माँ और बहनों को कोई तकलीफ नहीं हो, इस सोच के लिए मगरबी बंगाल की ममता बनर्जी को हम लोग दिल के गहराई से सलाम करते हैं, दिल के गहराई से पसंद करते हैं, दिल की गहराई से दुआएं देते हैं कि हमारी ममता बनर्जी कायम और कायम रहे, हम सबों की उम्र उनको लग जाए। वो मगरबी बंगाल की ममता बनर्जी सीएम ताहियात बनी रहे, यही दुआओं के साथ अपनी बातें खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। विधायक टीएम सिंह ममता दीदी के नेतृत्व में हम लोगों ने देखा कि आज गांव, मोहल्ला, सड़क अगर एक मात्र अगर नजर आए तो बीजेपी वाले लोग नजर नहीं आए, ओनली खाली टीएम सिंह के नेता काउंसिल लोग सड़क से लेकर मोहल्ला तक नजर आए। मैं इस मंच के माध्यम से एक बात बता दूं, बीजेपी वाले आपको शर्मानी चाहिए, ये महाकाल, ये महामारी का भी आज दीदी के नेतृत्व में पूरे पश्चिम बंगाल में जो कार्य उनके सदस्य के द्वारा, उनके काउंसिलर के द्वारा, उनके एमएलए के द्वारा, उनके मुखिया के द्वारा, उनके नेता, उनके जमीनी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो कार्य हुआ, हमें नहीं लगता कि पूरा जीवन अंतकाल में ऐसा काम, ऐसा गरीबों को सेवा बर्धवान पश्चिम बर्धवान डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन गुलाम सरवर को नामजद करके ये ऐलान कर दिया कि आप जाए पूरे डिस्ट्रिक्ट में देखे कहां पे माइनॉरिटी को कुछ ले, गरीब तबके के लोगों को क्या जरूरत है। आज पहला बार है कि हमारे गुलाम सरवर साहब को पहला ये चीज मिला है कि आप कहां तक सेम करेंगे, ये फैसला आप कीजिए।
गुलाम सरवर ने कहा है कि हम हासिम के इलाके में जाएंगे और वहाँ के जो गरीब लोग हैं उनके दरमियान में ये पहला किस्त तकसीम होगा। और हम लोग आज यहाँ पे आए हैं मराठी सेल के बैनर में आप लोगों के दुख दर्द बांटने के लिए। ये ममता बनर्जी ने जगला दिया कि हर वक्त हम ऐसे में जब कोरोना का महामारी चल रहा है तो बंगाल के सीएम जमीनी सतह पे उठ करके हर एक से कांधे मिलाकर लड़ रहे हैं। जादे जीवन भय आज जादे का जीवन दाम अनेक बेसि तारा क्योंकि घर मध्य शुने এগুলো আপনাদের কিন্তু বুঝতে হবে, আপনাদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে যে আপনাদের পাশে যারা রয়েছে আপনাদেরকে এই সব ভাবনা চিন্তা কিন্তু আপনাদেরকে করে নিতে হবে। এই সব চিন্তা ভাবনা করে চিন্তা আপনাদের সব সিদ্ধান্তগুলো নিতে হবে। আজকে হাসিম যখনই বলেছিল আমাকে, আমি বলেছিলাম যে আমি কিন্তু সবসময় এসব কাজে আগেই থাকি, আমি একেবারে সঠিক সময়ে এসে পৌঁছেছি। আমাকে যে সময়টা বলা হয়েছিল 11টার সময় আমি কিন্তু 11টার সময় এসেছি। যাই হোক আস্তে আস্তে একটা প্রোগ্রাম করতে গেলে আধ ঘন্টা এক ঘন্টা দেরি হয়। ভাই বোনেদের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়া এবং সিওদা আমাদের স্থানীয় নেতা সিওদা এবং সর্বোপরি অফিসে আছেন আমাদের স্থানীয় কাউন্সিলর। এই লাইনে শুধু পুষ্ট বলি থাকবেন, এখানে শুধু পুষ্ট বলিরা থাকবেন। আর ভোটারদের কাছে অনুরোধ, माइनॉरिटी सेल के तरफ से कुछ कमजोर लोगों को किट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मीर हाशिम साहब के क्यादत में हम लोग ये प्रोग्राम किया है। इसमें जो किट दिया जा रहा है वो सिर्फ मुसलमान सिर्फ माइनॉरिटी तमाम को दिया जा रहा है, मैंने उस बैनर के तहत दिया जा रहा है। आपका नाम क्या? जो जरूरतमंद है इंशाल्लाह। आपका नाम क्या? मेरा नाम गुलाम सरवर।